बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पे हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल और सीक्वल। हम दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। सीक्वल इज अ सर्वर साइड प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इट बेसिकली डील्स विद द क्यूरीज एंड इट्स अ स्टैंडर्ड। It's used as a standard in almost everywhere in the world. So it's a great language for manipulating and optimizing, and just your queries will be just exactly the way you want. You can minimize and filter your results with the help of SQL. So what we're going to do is learn the environment. Today we're going to set up the environment. And उसके अलावा योर सेकेंड असाइनमेंट फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स विल बी आई विल टर्न इट इनटू अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो नॉट अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, एक्चुअली टर्म प्रोजेक्ट। तो ये आप लोगों ने इसको टर्म प्रोजेक्ट की तरह लेना है। इट विल बी मार्क्ड एज अ टर्म प्रोजेक्ट। अभी कोशिश करें कि अपने लैपटॉप्स पे मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग करें, सीक्वल की इन्वायरमेंट को सेट करें। उसके बाद आपके सी आर्स को मैं और डिटेल दे दूंगा असाइनमेंट की। तो बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है कि तीन तीन के ग्रुप्स बनाने हैं, एक टॉपिक चूज करना है, कोई भी एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है आप लोगों ने, किसी भी। फॉर एग्जांपल पाइन वैली फर्नीचर मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल। ओके, सो आप लोगों ने अपने सी आर्स को अपने ग्रुप की लिस्ट को सबमिट करवा देना है। ऑल्सो द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो जितनी जल्दी सबमिट कराएगा, जिसने पहले उस प्रोजेक्ट को ले लिया, द अदर पर्सन कैन नॉट कॉपी दैट। इट शुड बी अ यूनिक प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दे दिए थे। द ग्रुप कैन बी ऑफ थ्री पीपल मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू पीपल। ठीक है, तो इससे ना ज्यादा हो ना कम हो। उसके बाद अपने नेम्स, रोल नंबर्स एंड जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा, फिलहाल कोई भी नाम चूज कर ले। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि उसको सीक्वल में इंप्लीमेंट करना है, उसके टेबल्स बनाने हैं जो सारे मैनेज होंगे, टेबल्स बना के सारा डेटाबेस बनाना है। उसके बाद कोई भी फ्रंट एंड के साथ हम उसको जोड़ देंगे। जब उसको फ्रंट एंड के साथ जोड़ देंगे तो फिर वो एज अ प्रोजेक्ट की शक्ल ले लेगा एंड यू विल बी एबल टू सबमिट इट टू मी। सो आज से ही अपना प्रोजेक्ट शुरू सोचना शुरू कर दें एंड उसके बाद अपने सी आर को अपने ग्रुप मेंबर्स का नेम एंड द प्रोजेक्ट दैट यू हैव चोजन। सो दिस विल बी मार्क्ड एज अ मेजर असाइनमेंट। आपकी पहली असाइनमेंट के मार्क्स इतने नहीं है, दिस इज योर टर्म प्रोजेक्ट, तो इसके ज्यादा मार्क्स होंगे एंड इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ग्रेड एज वेल, because I don't really consider the traditional exam system a very fair way of grading you guys, because of corona it's not a very fair system. So at least aap log ke term project se it will be better. Theek hai, to today we're going to start with the agenda and we're going to set up the environment taaki aap log based on that environment and that IDE, जो भी setup हम बनाए, आप लोग उस पर अपनी assignment को implement कर सकें। Also there will be a Viva, so make sure कि एक बंदा सारा काम ना करे, सब लोग मिलके equally contribute करें उस काम में। So let's jump to the agenda. This SQL. Followed by that, we'll be looking at what is data and database. Next up, I shall give a detailed explanation of a table. And finally, I'll end the session by discussing some SQL basic queries such as how to create a table, how to insert data into it, how to delete it, and many more. So I hope the agenda... Okay, so what the agenda is, ke hum pehle introduction lenge SQL ka, uske baad how to implement it within a database, data ko database ke andar kaise humne implement karna hai. After that, we'll be looking at tables ki creation, how we're going to create tables. Basically aap logon ne jo ERDs banayi hai in the past,
इवन इन योर असाइनमेंट, उसी को हमने इम्प्लीमेंट कर देना है. फॉर एग्जाम्पल जो हमने हमने जो असाइनमेंट की थी उसके अंदर जो भी टेबल के नेम थे, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे, उसी तरह हमारे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू भी हम उनको प्रैक्टिकली टेबल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके बाद ये होगा कि बेसिक जो एसक्यूएल क्यूरीज हैं वो भी मैं आज थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा. उसमें यह है कि हमने टेबल कैसे बनाना है, कैसे इंसर्ट करना है उसके अंदर डेटा, डिलीट, अपडेट वगैरह. क्यूरीज तो मैं आपको बेसिक दे दूंगा, बट इन द नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू अवर एडुरेका यूट्यूब गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट टॉपिक आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस सेशन इज इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल. इन टुडेस वर्ल्ड डेटा इज एवरीथिंग, बट टू मैनेज इट one has to master the art of data management. To play with the data and database, we need to know the language that is understood by these databases. And that language is SQL. SQL is the core of relational type databases. Because of its huge popularity, it is used by most companies today worldwide. After understanding the basic introduction, the first question that arises in our mind is, what is SQL? SQL is an abbreviation for Structured Query Language. It is a language used to perform actions such as update, retrieve, manipulate, and store data on a relational database. Okay, so from here you guys know that SQL stands for Structured Query Language. So structured, you know me, what structured means. It follows a structure. So it's a structured language. And what structured mean is it has its own set of rules. जैसे कि हर हम सी पढ़ते हैं उसके अपने सिंटैक्स होता है, अपने लिहाज से सर्टन वेज हैं उसके, उसका एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, कुछ पैटर्न्स हैं जिसको वो फॉलो करते हैं तो सी बन जाती है. उसी तरह एसक्यूएल इज आल्सो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट आल्सो हैज इट्स यूनिक सिंटैक्सेस. उनको पैटर्न्स को फॉलो करते करते हम वी कैन रिट्रीव ग्रेट क्यूरीज, वी कैन डू सो मच अमाउंट ऑफ थिंग्स विद आवर डेटा. हम बहुत स्पेसिफिकली अपने डेटा को रिफाइन कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज, फ्रॉम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा रोज. हम टेबल्स में लाखों जितना भी हमारा डेटा हो, अगर हमें उसमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज, वी कैन रिट्रीव दैट डेटा इन अ वेरी रिफाइंड एंड रिफॉर्म्ड वे. What I mean is, अगर लाखों का डेटाबेस है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल योर आई डी कार्ड नादरा, इन द नादरा डेटाबेस देर इज बेसिकली ऑलमोस्ट फ्रॉम नाउ फ्रॉम दिस एज, आई डोंट नो अबाउट द पास्ट, जब से ये स्टार्ट हुआ द न्यू एरा द न्यू चिल्ड्रन, एवरीबडी विल बी इनरोल्ड, एवरीबडी विल बी इन द नादरा डेटाबेस, एवरी वन हु हैज अ बी फॉर्म और आई डी कार्ड. They are available. They are entered in the Nadra database. So that makes it a very complex database. तो अगर मुझे किसी एक बंदे की ज़रूरत है instead of the traditional file system, अगर यही file system में हो तो I would have to go through each and every file to find a specific person. But with the help of this query language, structured query language, I can just type the ID card number or the name. If I type the ID card number, obviously I'm going to get one result because that's a primary key, unique key. I'll get directly the person that I'm looking for. But if I'm looking for certain people with the same name, for example, I'm looking for someone named Bilal, there'll be like, I think, lakhon mein queries aayengi mere paas. So I would need to specify the person a little more. For example, his age. All I want to find all the Bilals in Pakistan whose age is 28. That will reduce the query to, I don't know, like one fourth of the queries. Uske baad, if I specify it a little more, is city mein ho, and that will reduce the queries even more. And if I specify it to father's name, तो बिल्कुल चंद नाम रह जाएंगे मेरे पास, या आई विल गेट एग्जैक्टली द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूरी लैंग्वेज एंड विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज, दिस इज द टाइप ऑफ गोल्स दैट वी कैन अचीव. वी कैन मेक एप्लीकेशंस
that have the capability of doing and manipulating the data into useful information, just like the way I showed you guys. Okay, so this is a structured query language. तो इसमें हम queries सीखेंगे, इसका structure देखेंगे, and with the help of these queries हम delete कर सकते हैं, data को add कर सकते हैं, update कर सकते हैं, tables को alter कर सकते हैं, create कर सकते हैं. So we can mold them according to a orderly fashion. So let's take a look at these. Now that we have learned what exactly SQL is, let's see some of its interesting facts. Do you know when SQL was born? Well, let me answer that question for you. SQL was developed at IBM by Donald E. Chamberlain and Raymond F. Boyce in the early 1970s. It was initially called as SQL, that is Structured English Query Language. But later it was changed to SQL because SQL was a trademark of UK-based engineering company. SQL is said to be a powerful language. Reason for that is it uses very simple English sentences and also uses very few lines. It uses common words such as select, insert, update, and many more to perform its core functionalities. SQL is known to be a declarative language. When you write a query, you have to describe what needs to be done, and you don't have to worry regarding the flow of the query. It will be handled internally by the DBMS that you're using. Now, let's look at some of the features of SQL. So the first feature is SQL has well-defined standards. As it says, developers of SQL has clearly mentioned how exactly each and every query has to be written. There is no room for ambiguity when it comes to writing a query. The standards has to be followed. SQL is easy to learn. Yes, SQL is a language that is used to work with a database. Since SQL has a large user base as well as well-defined standards, for a beginner, it is really easy to learn. Next one is, in SQL, we can create multiple views. This is one of the unique and early features that SQL came up with. View is nothing but creating a virtual table. A virtual table is a temporary table for certain use. By doing this, we can protect the integrity of the data. SQL has the ability to not only create a single view, but can create multiple views. Finally, SQL queries are portable in nature. It means we can execute the SQL query in one system and execute the same query in another system without changing the format. But the condition is the environment setup of these two systems has to be same, else the SQL query won't be executed. So these were some of the features of SQL. Now let's look at the next topic, that is data and database. Firstly, let's look at what is data. So the standard definition for a data is values from different source which has been translated for some purpose. And this purpose can be anything. Source for the data can be like temperature reading, financial data, videos, blogs, text, etc. It goes on. In the end, it should make a meaningful sense. Only then we can consider it as a data. This image clearly depicts the different source of data. So we can clearly understand that the data source can be anything. Since we are clear about what data is all about, let's head to the next topic, that is, what is database? Firstly, let's look at the formal definition for a database. A database is an organized collection of data, where the data is stored and accessed electronically from computer system. To make you understand what it means, let me use an analogy to explain the concept of database. Consider a library. Usually, the library contains a huge collection of books of different genre. Here, library is a database, and these books are the data. In the image, we can see a person performing an action on the data, and those actions can be like create, store, update, etc. When the user sends the instruction as well as the data, it will be stored inside the database after a certain process. And this entire process is bidirectional, that is, control flows on both the sides. Next, I'm going to talk about different types of databases. There are different kinds of databases that are in use today. And these databases are classified based on capabilities, features, functionality, size, and performance. So few of them are distributed database, object-oriented database, centralized database, operational database, graph database, cloud database, NoSQL database, and finally, relational database. Among these databases, the two popular types that are widely used are first one, relational database, and second one, NoSQL database. Relational databases generally uses SQL language, and we are going to learn more about it in the coming modules. Moving on, let's look at some of the popular databases that are widely used today. So they are MongoDB, Postgres,
Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, and Oracle DB. These are the few popular databases that are used today. Okay, so ये वो databases हैं जो के it's in the computer जो हम use करते हैं. We're going to be using MySQL right now or Oracle, and also I'm going to take you to MongoDB. Maybe मैं आप लोगों को MongoDB में ले जाऊं. The Microsoft SQL Server. Also ये हम अपने C applications के साथ connect कर सकते हैं. तो my preference of choice is MongoDB and MySQL. तो ये वो databases हैं. These are database engines. What this means is इस डेटाबेस के ऊपर बेस्ड होगा हमारा जो स्ट्रक्चर है, ऑल आवर लैंग्वेज आवर क्यूरीज एंड दीज डेटाबेसेस हैव स्लाइटली डिफरेंट कैपेबिलिटीज. तो व्हाटएवर वर्जन वी चूज, व्हाटएवर डेटाबेस वी आर गोइंग टू फिक्स इन आवर प्रोग्राम, तो इट हैज स्लाइटली डिफरेंसेस विद वन अनदर, बट वी आर गोइंग टू यूज द ट्रेडिशनल MySQL एंड SQL सर्वर. So let's get to know more about these databases. Each one of them has its own pros and cons. Since we have already started the topic of database, it wouldn't be fair to drop this topic abruptly. So I shall discuss a few basic database related queries. The first query is how to create a database. To explain this, let me jump into MySQL Workbench. This is the interface of MySQL Workbench. On the left side of the screen, we can see the database. In the center area, we are going to write our queries. At the bottom part. Okay, so for now, we're not going to go into the depth of how to create tables because we didn't set up our environment yet. In the next video, I'm going to take you to setting up your environment ताकि आप लोग इसको implement कर सकें. So for now, let's end this lecture over here. And what I need from you guys is आप लोगों ने अपने groups बनाने हैं. ग्रुप ऑफ थ्री, टू इन लाइक कोई मजबूरी हो आपको तो दो का हो जाए, वरना इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ थ्री. एंड उसके अलावा व्हाट आई नीड यू गाइस टू डू इज सेंड योर नेम्स एंड द टॉपिक यू आर चूजिंग. इट कैन बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड अगर आप नेट से छापेंगे तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा. आई नीड यू गाइस टू Do this on your own. अगर आप step A से मेरे साथ follow along करेंगे, you will have a perfect term project. You won't have to put any extra effort. मगर अगर आप इसको ऐसे लेंगे कि internet से मैं कोई भी search करता हूँ database का project and मैं वो दे दूँगा, obviously I would find out and आपको ही मुश्किल होगी. And make sure you guys जल्दी से अपने अपने projects submit करवा दें, like the name of your project and your group members. The people who fail to do so, I'm not going to bother with you guys. अपनी हर lecture के बाद जो जो मैं task देता जाऊँ, you have to submit it to your CRs, who are Gulsher and Safiya. So if they will report back to me, और अगर आप लोग कोई भी problem create करते हैं तो it's up to you. This is going to have an adverse effect on your term project. So make sure हर वीडियो के बाद आपने टास्क करना. आज के वीडियो के बाद का टास्क इट्स सो सिंपल, सो इस पे कोई भी आपको छूट नहीं है. फाइंड योर प्रोजेक्ट, डिस्कस विद योर टीम मेंबर्स, फाइंड योर टीम मेंबर्स एंड उसके बाद लाइक इन थ्री डेज, टू थ्री डेज मंडे तक आप लोग सबमिट करा दें. यू विल हैव द वीकेंड टू डिसाइड एंड चूज योर ग्रुप मेंबर्स. सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. The next lecture, most probably, we're going to set up the SQL environment, MySQL. From A to Z, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है इसको, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, देन आप लोगों ने सेटअप करना है. आफ्टर वी डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्यूरीज स्टार्ट करेंगे. बेसिक वाली आपको ओवरव्यू मिलेगा और उसके बाद ये होगा कि हम कुछ टेबल्स बनाएंगे. देन वी आर गोइंग टू टेक सम सैम्पल प्रोजेक्ट, कोई भी सैम्पल प्रोजेक्ट मैं ले लूँगा और उसी के कोई भी ईआरडी हम देखेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो उसके टेबल को कैसे मैंने सीक्वल में मैप करना है
वो आपको दिखाऊंगा और कैसे बनाना है, ताकि आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट के लिए एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के उसके बाद उसको मैप कर दें एग्जैक्टली ऑन एसक्यूएल. ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.